क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि मनीष की उम्र और सविता की उम्र को जब मैं प्लस कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, तो आंसर आ रहा 31। अब हम मान लेंगे कि जो मनीष की एज है, आप उसको इंग्लिश में लिख लेना कि लेट मनीष एज बी एक्स। तो मनीष की एज एक्स है, हमको नहीं पता है तो मैं उसको एक्स मानूंगा। सविता की एज भी नहीं पता है तो मैं भी उसको क्या मानूंगा, एक्स तो मान नहीं सकता क्योंकि एक्स तो उसकी एज है, तो इसको मैं मानूंगा वाई। तो मेरे पास दो अननोन पैरामीटर आ गया, दो अननोन वेरिएबल आ गया, एक्स और वाई। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब सविता की एज, उसकी उम्र और मनीष की उम्र को जब मैं ऐड करूंगा, प्लस करूंगा, तो उसका आंसर आएगा 31। इससे हमारा पहली इक्वेशन बन गई, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमारा यही एम होता है कि दो इक्वेशन बन जाए, फिर उस दो इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। अब आगे क्या बोल रहा है कि मनीष की जो उम्र है 3 साल पहले, वो सविता की उम्र से 4 टाइम्स थी, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना थी 3 साल पहले। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की उनकी उम्र एक्स और वाई है, 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मनीष की जो उम्र थी एक्स, श्वेता की उम्र से 4 गुना थी। मनीष की उम्र श्वेता की, अरे सॉरी सॉरी, सविता की उम्र से 4 गुना थी, मतलब 4 मल्टीपल्स थी, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सविता की एज से, क्योंकि सविता की एज से ही वो 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। लेकिन आज की बात नहीं कर रही, ये अभी जो इक्वेशन है आज की बात हो जा रही है। उन्होंने बोला है 3 साल पहले, मान लो आज आपकी उम्र 12 साल है, तो 3 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी? ऑब्वियसली 12 माइनस 9। आज आपकी उम्र 15 साल है, तो 3 साल पहले क्या होंगी? ऑब्वियसली 15 माइनस 3, यही बात हो रही ना। तो आज अगर मनीष की उम्र x है, तो 3 साल पहले उसकी उम्र क्या होंगी? x-3। आज अगर सविता की उम्र y है, तो 3 साल पहले क्या थी? y-3। बस ये 3 साल पहले की उम्र मनीष की है, ये 3 साल पहले की उम्र सविता की है। और उन्होंने बोला कि 3 साल पहले सविता की जितनी उम्र थी, उसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, तो मनीष की उम्र निकल जा रही। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, बस इसको सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस थ्री को तो ऐसे ही लिखेंगे, 4 को पहले y से मल्टीप्लाई करो 4y, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा, या माइनस तो माइनस लगा देंगे। अब हमारा एक एम होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कि x और y एक तरफ रखते हैं, तो x यहीं रहेगा, 4y इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस 12 है, 3 अगर इधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -9। यह आपका सेकंड इक्वेशन बन गई, ये आपकी क्या बन गई? सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आप देखो x plus y is equal to 31 आपका ये पहली इक्वेशन है, और ये दूसरी इक्वेशन है। बस दोनों इक्वेशन लो और इसको सॉल्व करो यार। मैं दूसरी इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, x-4y is equal to -9। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों को बस साइमल्टेनियसली हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। मैं नीचे का रफ कर देता हूँ, ये हम लोग नीचे का रफ कर दिए और फिर उसके अंदर हम लोग उसको सॉल्व करते। यहाँ तक के अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे। इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व करना है। हाँ, लेकिन हमारा एम क्या होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन में, कि दो को सेम वेरिएबल का कोएफिशिएंट, मतलब उसके साथ जो नंबर आते हैं वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर x का जो नंबर है वो सेम है, बट उनकी साइन चेंज नहीं, साइन सेम नहीं होना चाहिए, साइन अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ साइन भी सेम है तो साइन को अलग अलग करेंगे। तो मैं देखो पहली वाली इक्वेशन वैसा का वैसा लिख लेता हूँ, बस दूसरी इक्वेशन में क्या करूँगा, मैं 1x लिखो या x लिखो सेम है, दूसरी इक्वेशन में क्या करूँगा, साइन चेंज कर दूंगा। x प्लस में था माइनस कर दिया, 4y माइनस में था प्लस कर दिया, 9 माइनस में था प्लस कर दिया। अब देखो ये सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 4y कितना हो जाएगा 5y, और 31 प्लस 9 कितना हो जाएगा 40। आप क्या करो, y निकालना है तो y के साथ जो हमारा नंबर है उसको हटाना पड़ेगा, तो उसी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर y बचेगा, 40/5 कितना होता 8, मतलब y इज इक्वल टू 8। और y क्या था? सविता की उम्र थी, सविता की एज कितनी थी, कितनी है आज? 8 ईयर्स है। तो इससे हम लोग मनीष की एज निकालेंगे, मनीष की एज से हम लोग ये देखो पहला इक्वेशन ले लो, x प्लस y इज इक्वल टू 31। यहाँ पर y की वैल्यू लिख दो 8, कुछ मत करो, सिर्फ y की जगह 8 लिख दो। अब 8 को उधर लेकर चले जाओ,
तो इधर प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस होगा। और 31 में से अगर मैंने 8 माइनस कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 23। तो एक्स इज इक्वल टू 23, इसका मतलब मनीष की जो एज है, मनीष एज इज इक्वल टू 23 ईयर्स, आज की बात कर रहे हैं। और सविता की एज जो है वो है 8 ईयर्स। अब आप चेक कर लो, 23 प्लस 8 31 हो रहा है, तो पहला वाला इक्वेशन राइट है। दूसरा इक्वेशन में क्या बोला था है? क्या बोला था, सविता की एज 3 साल पहले, मतलब यहाँ से 3 साल पास पाँच हो जाएगा, और मनीष की एज 3 साल पहले 20, मतलब सविता की एज से मनीष की एज 4 गुना है। देखो हुआ है ना, 4 गुना 5 फोर 20। तो हमारा आंसर मतलब राइट है कि x इज इक्वल टू 23 और y इज इक्वल टू 8।